फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में जो आप मोल्ड देख पा रहे हो, जो कंप्लीट मोल्ड है, इस मोल्ड की हम डिटेलिंग करने वाले हैं। मोल्ड की डिटेलिंग इन द सेंस, इस मोल्ड में मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ। ये जो मेरा एक नया मोल्ड है जिस पार्टी के लिए मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग साइज है, कुछ अलग है, ठीक है। तो इसकी साइज वगैरह कुछ अलग है, आप देख पाओगे तो पता लग जाएगा। तो ये जो मोल्ड है, इस मोल्ड का हम डिटेलिंग करने वाले हैं। डिटेलिंग इन द सेंस, मैं इस मोल्ड की रिव्यू करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इजेक्शन है, स्टीपर इजेक्शन है। तो स्टीपर इजेक्शन कैसे चलाना है, कितना एमएम लेना है आपको, कैसे कंसीडर करते हो, क्या क्या चीजें देखना पड़ता है। और जो मैं यहाँ पे स्टीपर इजेक्शन कर रखा हूँ, वो थोड़ा अलग तरीके से है। अलग तरीके से इन द सेंस, इसमें जिस कॉन्सेप्ट में का यूज कर रहा हूँ, वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और इसका जो मेंटेनेंस है, जीरो मेंटेनेंस है, तो इसके कोई मेंटेनेंस का दिक्कत नहीं आता। तो आपको ये लास्ट तक देखना है कि वीडियो में मैं कैसे कैसे चीजें कराऊ, क्या कैसे समझाऊंगा, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आप कंपोनेंट बनाते हो, कंपोनेंट जो है इसकी हम देखते हैं, मेरा कंपोनेंट कैसा है और इसके साइज की, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखोगे, यहाँ पे जो है क्या है, बहुत बड़ा होल है, ठीक है। अब ये होल को इजेक्शन करना है। यहाँ पे तो मैं पिन इजेक्शन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। स्लिप इजेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसकी डेप्थ जो है बहुत कम है। तो हम जो है यहाँ पे ये जो चैम्बर है ना, इसको नहीं हटा पाएंगे। जो पार्टी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिस कंपनी के लिए भी बना रहा हूँ उसका रिक्वायरमेंट है, इसको हम नहीं हटा सकते। अगर मैं इसको स्लीव इजेक्शन करूंगा तो ये मेरा सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको जो है मैं स्टिपर से करूंगा, स्टिपर से इजेक्शन करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसकी जो है अलग साइज का जो है मैं बना रखा हूँ, जिसको भी टी जीरो शॉर्ट वगैरह देखना है वो देख सकते हो, पीसी का बनता है, ठीक है। और जो इसकी देखो, यहाँ पे आप पॉलीकार्बोनेट यूज करते हो, तो उसकी जो मेटल होता है ना, जिस तरीके से आप मेटल यूज करते हो, जो लोहे यूज करते हो, तो हम स्टारबैक्स यूज करते हैं, तो इसकी जो है बेटर ग्लोसी, बेटर ट्रांसपेरेंसी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीसी यूज करते हो, तो अब जो है स्टारबैक्स यूज कर सकते हो। स्टारबैक्स का भी टॉप ग्रेड आता है, स्टारबैक्स आपका ईएसआर आता है, तो वो सबसे टॉपेस्ट ग्रेड होता है, तो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा जानकारी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है, जो ये डिटेल अगर आप किसी को एक्सप्लेन करते हो, ये चीजें आप अगर एक्सप्लेन करते हो, तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ आपने काम करा है, आपको नॉलेज है, ठीक है। तो वो चीजें देख के ही आपको जानना है, ठीक है, देख के ही जानना है, देख के ही समझना है, और कुछ कुछ चीजें आपको करने से भी पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये देखना है, मेरा इसकी जो है मैक्सिमम कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, जो मेरा इजेक्शन है, कितने एमएम तक ये जो है ट्यूब बन रहा है, ठीक है, 121.2, लगभग 122 एमएम मान लेता हूँ, यहाँ पे भी कुछ कट आउट है, ठीक है। तो 122 एमएम, आप सोचो 122 mm इजेक्शन स्टिपर से पॉसिबल है, नहीं है, स्लिप से है, नहीं है, तो इतना आप इजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है 122 mm का इजेक्शन मैं नहीं दे पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो पार्ट जो है, एज जो है, ये क्या करेगा ना, इसमें जो है बाहर से निकल के आएगा, तो वो इतना इजेक्शन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले ड्राफ्ट बढ़िया होना चाहिए, यहाँ पे ड्राफ्ट बढ़िया है, ड्राफ्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पार्ट को ऑलरेडी एनालाइज कर रखा है। अब हम समझते हैं आपको यहाँ पे जो है मोल्ड कैसे बना रखा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये टॉप प्लेट हो गया, ठीक है, ये आपका जो है कैविटी हाउसिंग हो गया, ठीक है, ये कैविटी हाउसिंग हो गया। तो ये मेरा कैविटी हो गया, जिसमें मैं यहाँ पे आप देख पाओगे ना, ये मेरा वेब प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से वाफिल कूलिंग कर रखा हूँ मैं, वाफिल कूलिंग के वाला है, ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुका हूँ, जिसको भी नहीं पता वो जाके देख ले, ठीक है। ये मेरा स्क्रू ब्रश है, और जो स्क्रू ब्रश के साथ जो मेरा स्क्रू ब्रश लॉकिंग होता है ना, लॉकिंग लगाना भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्क्रू ब्रश डिस्प्लेस हो जाते हैं, घूम जाता है, तो इसको हम लॉक करने के लिए स्क्रू ब्रश लॉकर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिंगर कैम है, इसकी कैलकुलेशन का अलग से वीडियो है, जिसने भी मोल नहीं देखा वो देख ले, ठीक है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे देखो, जो मोल है आराम से लॉक हो जाए, इंटरलॉक लगा रखा हो, ठीक है। तो ये मैंने इसको जो है फिंगर कैम को हटा दिया है। कैलकुलेशन वगैरह सही है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। अभी जो है गेटिंग है, गेट जो है मैं डायरेक्ट सेंटर पे गेटिंग नहीं कर सकता, या मैं इसकी ऑफसाइड मोल्डिंग करूँ, है ना, जो मेरा स्क्रू है सेंटर पे हो, या मैं इसको ऑफसेट गेटिंग करूँ, या मैं इसको ऐसे रखूँ, तो इसकी जो है मोल फ्लो करवाना पड़ता है आपको, इस तरीके से अगर सेंस करते हो। तो इसको मैंने मोल फ्लो करके भी देख लिया, तो मोल फ्लो में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे तरफ से गारंटी है, जो भी मैं मोल बनाऊंगा, जो भी मैं मोल बनाता हूँ किसी पार्टी के लिए, मैं 100% आपको देता हूँ कि आपका जो पहला शॉट है, पहला ट्रायल है, उसमें आपको 90-95% मोल होके मिलेंगे। ये मेरा जिसको भी जिस पार्टी के लिए मैं बना के देता हूँ, ये मेरे तरफ से गारंटी रहता है, ठीक है। तो ये जो मैंने मोल बना के दिया हो आपको, इसमें 90-95% पहला शॉट में पार्ट आपको ओके मिलेगा, ठीक है, तो ये गारंटी रहता है। तो अब देखोगे, ये मेरा यहाँ पे स्लाइडर लगा रखा हो, इतना बड़ा स्लाइडर है ना, लगभग ये भी 120-122 एमएम है। इजेक्शन जो फिंगर गेम से है, तो आप निकल नहीं सकते हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक लगाया। अब देख पाओगे यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाया, ठीक है, ये गाइड करने के लिए होता है बेसिकली स्लाइडर को, क्योंकि इतना लंबा है तो यहाँ पे गाइड चाहिए, तो गाइड देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गाइड करने के लिए दो ब्लॉक लगा दिया रखा है,
और यहाँ पे जो है हमने, ये आप देख पाओगे सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर है। अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर की ड्रॉइंग वगैरह बनाना है, कैसे डिसाइड करते हो वो, अगर क्लास, अगर एडवांस क्लासेस चाहिए, मेरा नंबर मेंशन पे आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से एडवांस क्लासेस वगैरह देते रहते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है ना, कैसे क्या बना है, क्या क्या हो गया। अब देखो इसमें हमको बड़ा मोल्ड होता है, लगभग ये बन रहा है 150 टन में, 150-200 टन में जाएगा, 100 ना, जितना भी साइज में जाएंगे 150 टन के ऊपर मशीन पे जाते हो ना, तो हम यहाँ पे प्रेशर पैड देते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रेशर पैड है। अब इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ये भी जो आपकी पार्टिंग होता है ना, पार्टिंग से 0.5 मतलब 1 mm का डिफरेंस बनाकर रखता है। कुछ चीजें अगर चेंज करना पड़ता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी कोर केविटी का जो लाइफ टाइम है ना, लाइफ साइकिल है, वो बढ़ जाता है। ये भी बहुत सारा चीजें है, आपको पता हो नहीं है, अगर आपने काम नहीं करा है, पता नहीं है तो आपको तो पता होना चाहिए। तो अभी हम आते हैं स्टिपर प्लेट में। अगर किसी को कुछ एडवांस लेवल में सीखना है ना, कुछ एडवांस तरीके से सीखना है, तो नंबर मेंशन दे, आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्या क्या सिखाऊंगा, क्या सिलेबस है, कितना डिटेल में कराता हूँ, क्योंकि मैं जो कराता हूँ 1 महीने का कोर्स नहीं कराता हूँ, 20 दिन का कोर्स नहीं कराता हूँ। मेरा जो कोर्स होता है, एक कोर्स, 3 कोर्स है मोल्ड डिजाइन में, एक एक कोर्स जो आपका 2.5-3 महीने का जाता है, ठीक है। उसमें भी AMI फैसिलिटी है, तो आप जो है अगर थोड़ा डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो है, ये क्या है, क्या रखा है मैं यहाँ पे, देखो एक आपको पता होता है, एक होता है इंटरलॉक, मैंने आपको दिखा दिया, एक होता है टेपाल लोकेटर, एक होता है स्ट्रेट टेपाल लोकेटर, है ना, एक स्ट्रेट लोकेटर होता है, एक टेपाल लोकेटर होता है। इसको गाइड करने के लिए, जैसे आप कोर केविटी मेटिंग होता है ना, तो गाइड करने के लिए आपको इस तरीके से ब्लॉक वगैरह यूज करना पड़ेगा, कटर वगैरह यूज करना पड़ता है। ये भी स्टैंडर्ड मिलता है, अगर मिशुमी का भी यूज करना है तो आपको मिशुमी मिलता है। अगर देखो ये मिशुमी में आ गया मैं, ठीक है, ये भी जो चीज यूज करते हो ना, हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। लाइब्रेरी से भी सिखाता हूँ मैं आपको, दो लाइब्रेरी से भी सिखाता हूँ, एक तो मोल बिजार लाइब्रेरी से भी सिखाता हूँ मैं, जिसको भी मोल बिजार सिखाना सीखना है तो इससे भी सीख सकते हो, इससे भी सिखाता हूँ, इसका भी स्टैंडर्ड पार्ट मिलता है अलग अलग कंपनी का, है ना। तो अलग अलग कंपनी का बोले तो कौन सी अलग अलग कंपनी का, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से भी सिखाता हूँ। अगर मोल बिजार में भी सीखना है तो आपको मोल बिजार में भी सिखाता हूँ। अगर बाहर का स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे देखोगे आप DME, DMS, फोटोवा, ये देखो ये सारा स्टैंडर्ड है ना, ये सब सारा स्टैंडर्ड देखो, ये यूनिवर्सल हो गया। तो ये जितना भी स्टैंडर्ड है ना, ये सारा स्टैंडर्ड से मैं सिखाता हूँ। मोल बिजार से भी सीखना है तो आपको मोल बिजार से भी सीख सकते हो। अगर मोल बिजार से नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वगैरह से काम करना है, उसमें भी सिखाता हूँ, क्योंकि कल आपको मोल गया, आपको हास्को का स्टैंडर्ड बना के दो, आपको नहीं पता है, तो ये तरीका भी मैं इसमें सिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये जो तरीका हो गया, हमने बता दिया प्रेशर पैड है, ठीक है, लोकेटर है, मैंने आपको बता दिया, ये मेरा जो है स्टॉपर है, स्टॉपर वगैरह भी लगाना जरूरी है, बहुत लोग स्क्रू से भी आप स्टॉपर लगा सकते हो, ठीक है। स्टॉपर वगैरह कैसे होते हैं, इसको गाइड, अब देखो ऐसे बनाने से नहीं होता है, एनिमेशन से बनाना होता है, एनिमेशन करना पड़ता है। अगर आप कुछ मोल्ड डिजाइन कर रहे हो, असेंबली से नहीं कर रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है, बेकार है आपके लिए। कल बड़ी कंपनी में जाओगे तो असेंबली से बनाना पड़ेगा, असेंबली से बनाओगे तो एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। तो असेंबली से भी सिखाता हूँ मोल्ड में, 3 तरीके से सिखाता हूँ, एक्सप्रेशन से सिखाता हूँ, असेंबली से सिखाता हूँ, लेयरिंग से सिखाता हूँ, मोल्ड डिजाइन से सिखाता हूँ। 4 तरीका हो गया आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो 4 तरीके से भी सिखा सकता हूँ मोल्ड डिजाइन, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है ना, ये सब आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छे में इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि होता है ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजें अच्छे में इन्वेस्ट करो। और देखो ये सारा चीजें आपका हो गया, कैसे कैसे होया मैं आपको ऊपर की जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया। अब हम आते हैं इसके नीचे में, तो स्टिपर प्लेट है। स्टिपर प्लेट कौन सा है, ये मेरा स्टिपर प्लेट है, ये स्टिपर बैक प्लेट है, सपोर्ट के लिए होता है। तो स्टिपर प्लेट है तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी इजेक्टर, सॉरी, जो आपका गाइड पिलर है और जो गाइड बूश है, तो गाइड बूश जो है आपको एक जो है आपका स्टिपर प्लेट है उस पर भी देना पड़ेगा। और जो स्टिपर प्लेट है इसमें टाइट फिट रहेगा, और जो पिलर के साथ आपकी टॉलरेंस रहेगा कितना होता है, 8.7G6 का टॉलरेंस होता है। अब 8.7G6 क्या होता है, GDNT नहीं पता तो डिटेल में करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी अलग से क्लास है GDNT के लिए, मोल्ड डिजाइन में भी कराता हूँ क्या होता है 8.7, कितना टॉलरेंस होता है, इस क्या होता है, इसके बारे में भी मैं क्लास ले रखा हूँ, अलग से क्लास ले, अलग से वीडियो भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं काम कैसे करेगा, ठीक है। तो स्टिप ये तो मेरा क्या होगा, ये मेरा रिटर्न पिन होगा, ये मेरा क्या ऊपर से आ जाए स्टॉपर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम बुशिंग लगाते हैं इसको, तो ये मेरा क्या होगा, ये भी रिटर्न पिन होता है ना, जो रिटर्न पिन होता है ये हमेशा जो सरफेस होता है इससे कुछ एमएम ऊपर रहता है, और उसके ऊपर हम जो है बुशिंग लगाते हैं। तो ये कितना एमएम ऊपर होता है, कितना बुशिंग होता है, इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये हो गया मेरा इजेक्टर पिलर बुश। अब इजेक्टर पिलर बुश मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं करूंगा, ये मेरा कौन सा हो गया, क्या हो गया मेरा, ये जो है ये मेरा सपोर्ट पिलर है, क्योंकि प्लेट को जब प्रेशर करेंगे ना तो यहाँ पे बैंड ना हो और सही पकड़ बना रहे, टाइट भी कर रहे, तो इसीलिए हम सपोर्ट पिलर अच्छे से लगाते हैं, ठीक है। सपोर्ट पिलर आपको बहुत बढ़िया लगाना है और ज्यादा लगाना है, 30-35 क्या साइज के हिसाब से आप लगा दो। अब देखो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, अब मैं इसको सिलेंडर को हाइट कर देता हूँ, ये मेरा क्या हो गया टी हो गया, टी को भी हाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैं सीधा अगर ये बनाऊंगा
बाद में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपका, है ना, ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट लगाया, देखोगे आप पार्ट को हाइड कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने इंसर्ट लगाया, ये इंसर्ट है। सारा चीजें आपको सोच सोच के बनाना है, ऐसे भी कुछ भी कुछ चीजें कुछ भी नहीं बना सकते हो आप, सोच सोच के बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो मेरा पिलर है, ठीक है, ये मेरा इजेक्टर पिलर का भी काम करेगा और यहाँ पे स्टिपर को गाइड करने भी काम करेगा। अब जैसे आप इजेक्टर पिलर बनाते हो, बूज बनाते हो, जो इलेक्टर पिलर होता है, जो ऊपर का आपका बैक प्लेट होता है या जो भी आपका हाउसिंग प्लेट होता है, उसमें आप जो है सीधा गाइड कर देते हो, बोल्टिंग नहीं करते हो। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, स्टिपर प्लेट के साथ अर्पण नहीं करेंगे, ऊपर से हम इसको बोल्टिंग कर देंगे इस तरीके से। कैसा बोल्टिंग कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे M8 का बोल्टिंग कर दिया यहाँ पे, और मेरा ये इजेक्टर पिलर हो गया। अब इजेक्टर पिलर हो गया तो इसके इजेक्टर बूज भी देना पड़ेगा। अब इजेक्टर बूज तो मैं स्टिपर प्लेट में नहीं दे सकता हूँ, तो स्टिपर प्लेट में नहीं दिया मैंने इसको, इसको मैं स्टिपर बैक प्लेट में दिया, स्टिपर ब्लैक प्लेट में। आप देखोगे इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा इजेक्टर पिलर रही है, सॉरी इजेक्टर बूश है, ठीक है, इजेक्टर बूश है। ये कितना की टॉलरेंस होता है, इसका भी टॉलरेंस होता है, आपको जिसको पता है कमेंट सेक्शन में डाले, जिसको क्लास वगैरह सही है तो वहाँ पे आपको ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ अब देखो बूश है ये हमेशा चलते रहेगा, क्योंकि इजेक्शन सिस्टम जो है स्टिपर इजेक्शन है, तो उसके लिए हम अलग से एक प्लेट करके इसको हमने लॉक कर दिया। अब इसके टाइट फिट भी कर सकते हो, टाइट फिट करके आप इसको ठोक के भी डाल सकते हो, है ना, क्लियरेंस करके। यहाँ पे जो है क्लियरेंस किस में रहेगा, जो बूश होगा और जो प्लेयर होगा उनके बीच में जो है टॉलरेंस रहेंगे, और यहाँ पे टाइट फिट रहेगा, जो बैक प्लेट के साथ जो बूश होगा आपका ये टाइट फिट पे रहेगा। और हम नीचे से इसको बोल्टिंग करके इसको हम फिक्स कर दिया, तो इधर साइड भी हमने फिक्स कर दिया। और जो आपका इजेक्टर पिलर है, तो आपका इजेक्टर पिलर है इसको हम जो है, ये जो आपका इजेक्टर प्लेट है इससे हम जो इसको बोल्टिंग कर देंगे नीचे से। अब जैसे मेरा यहाँ पे, मैं एक बार पूरा मूल को ले आता हूँ, जैसे मेरा नॉकआउट रॉड है, यहाँ पे नॉकआउट रॉड है, ये पुश करेगा, ये स्टॉपर है, ठीक है, ये गलती मत करनी, स्टॉपर है और यहाँ पे इजेक्टर स्टॉपर है, ठीक है। अब मैं 122 mm नहीं करूंगा, इजेक्शन कितना mm करना है, जितना mm कम हो, तो यहाँ पे मैं आप देखोगे मैं कितना mm का इजेक्शन है। अब यहाँ पे भी मेरा स्टॉपर लगाना है, स्टॉपर लगा के जो है काम करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे 50 mm है, तो अराउंड में यहाँ पे 50 mm चला रखा हो, तो 50 mm जो है मैनुअल इजेक्शन होगा आपका, पूरा इजेक्शन नहीं, 122 mm हम जो है टिपर इजेक्शन नहीं चला सकते, तो 50 mm में पार्ट निकल जाएगा, बाकी जो होगा जो ऑपरेटर होगा वो हाथ से पार्ट को ले आएगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। इसमें आपको जैसे नॉकआउट रॉड होगा, नॉकआउट रॉड इजेक्शन सिस्टम में हीट करेगा, इजेक्शन सिस्टम में हीट कर, इजेक्शन कैसे होता है, एक बार में थोड़ी ना होता है, ये दो बार में होता है, ऐसे ऐसे करेगा, एक दो ऐसे करेगा, इस तरीके से इजेक्शन होता है, एक बार में इजेक्शन नहीं होता है, कभी मत सोच लेना कि एक बार में पट्टा कट के निकाल देगा, दो बार ऐसे होता है इजेक्शन, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से इजेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इजेक्शन सिस्टम है इसमें पुश करेगा, तो ये क्या होगा, 150 mm जो है इजेक्शन मारेगा, मरने भी बाद पार्ट इजेक्शन निकल जाएगा। सबसे पहले आपके कोर कैविटी खोला, फिर हाइड्रोलिक इजेक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका स्टिपर चलेगा। ये था पूरी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा कि जो मैं मोल बना रहा हूँ, कैसे देखो आपको जैसे समझा रहा हूँ ना, ऐसे पार्टी को भी समझाना पड़ता है कि कैसे मोल चलेगा, क्या होता है, तो सारा चीजें हम प्रैक्टिकली करते हैं, और मोल फ्लो भी कर रखा हो। अगर मेरा पुराना वाला पार्ट का अगर T0 शॉट भी देखना है ना, वो मैं आपको T0 शॉट भी दिखा दूंगा। ऐसे हम नहीं बनाते, डिटेल में बनाते हैं हर एक चीजें, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका अलग अलग साइज का, एक 250 mm का आता है, अलग अलग साइज का भी आता है, 350 का भी आता है, आपको पता होगा जो मार्केट में अलग अलग साइज का आता है, तो अलग अलग साइज हम बनाते रहते हैं। तो ये था कंप्लीट मोल। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में कराते हो, बहुत कुछ चीजें आपको मिलेंगी सीखने के लिए, ठीक है। और आज का वीडियो में इतना ही था, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार वगैरह दे रहे हो तो बहुत ही मुझे भी अच्छा लगता है चीज़ें और अच्छे से बताने में और नया नया टॉपिक लाने में। और जो थोड़ा सा बिजी था, अभी कुछ वीडियो वगैरह नहीं ले पा रहा था, क्योंकि थोड़ा मेरा काम चल रहा था, प्रोजेक्ट वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम वीडियो आते रहे आपके पास भी, और बातचीत भी चलते रहे, बाकी बहुत लोग भी बात करते रहते हैं फ़ोन पर, अच्छा लगता है मुझे भी, अगर मैं कभी फ्री रहता हूँ तो बात करते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है काम वगैरह होता है तो ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो लोग जो है जो क्लास वगैरह ले रहे हैं तो उसके रेगुलर बातें होते रहते हैं, लोग क्लास वगैरह में होते रहते हैं, थोड़ा सा अभी शेड्यूल टाइट है। चलिए आज के इतना ही होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।